opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कौन बने फिर उनके क्रेडिबल परफॉर्मर ऑफ द डे पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनीटाइम एनीवेयर पर नहीं थे जॉस बटलर जिस तरीके से शतक लगाया वो 100 रन मात्र 68 गेंदों में एंड में आकर थोड़ा सा स्लो जरूर हो गए पार्थिव लेकिन उन्होंने टोन सेट कर दी थी मैच की अपनी नॉक से वो एंड में आकर स्लो इसलिए भी हो गए थे कि उनकी स्ट्राइक भी नहीं मिल रही थी और वहां पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाज भी बहुत अच्छी कर रहे थे लेकिन जब आप परफॉर्मर ऑफ द डे बन ही जाओगे ना टी ट्वेंटी फॉर्मेट में जब आप सेंचुरी लगाते हो उतना आसान काम नहीं होता जब आपके पास मात्र 120 गेंदे हो पूरी टीम के लिए खेलनी उसमें आप शतक लगाते हो और जिस तरह से शतक लगाया कि यहाँ पे अगर 193 बने तो नीचे और किसी के रन है नहीं तो जिस तरह से जो क्लास अपार्ट वो सारी चीज़ें होते हैं कि सारी बैटिंग लाइनअप में वो अलग बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे जिस तरह से पावर प्ले में भी बल्लेबाजी करी स्पिनर्स को जिस तरह से खेला आई थिंक मेरे ख्याल से जो क्रेडिट देनी होगी जॉस बटलर को जो क्लैरिटी की बात जो है जो टीम ने उनको क्लैरिटी दी है कि आप ओपन करेंगे और उसी तरह की क्लैरिटी के साथ उसी तरह के थॉट्स के साथ जॉस बटलर बल्लेबाजी करी